नागलोक में केवल विशाखा ही एकमात्र ऐसी नागिन थी जिसे पृथ्वी लोक पर प्रचलित श्रृंगार विद्या का ज्ञान था, जिसके कारण उसके ब्यूटी पार्लर यानी के काया पलट केंद्र में सभी नागिने अपने रूप को निखारने के लिए जाया करती। एक रोज विशाखा की सहेली वानिका काया पलट केंद्र में आती है। विशाखा, पृथ्वी लोक पर सीखी श्रृंगार विद्या का थोड़ा लाभ मुझे भी प्रदान कर। अपने जहरीले मुंह से मीठी वाणी ना निकाल, किस कार्य के लिए यहाँ आई है केवल ये बता। मेरी प्यारी सखी अति सुंदर नागिन, मुझे मेरे प्रेमी नकुलेश से मिलने जाना है। अब अपने प्रेमी से मिलने जाना है तो इस प्रकार सूखी सूखी तो नहीं जा सकते। हाँ तो झरने पर स्नान करके चली जा, सूखी से गीली भी हो जाएगी। मुझे गीली नहीं रंगीली बनकर अपने रंगीले मतलब अपने प्यार से मिलने जाना है। तू मेरा श्रृंगार करके मेरा सौंदर्य और बढ़ा दे। अवश्य, क्यों नहीं, किंतु तेरा रूप निखारने से मुझे क्या लाभ होगा। अब तू तो जानती है मैंने ये काया पलट केंद्र पॉकेट में चलाने के लिए तो नहीं खोला, तुझे अपना रूप निखारने के लिए मूल्य चुकाना होगा। अर्थात तू अब अपनी सहेली से भी मूल्य लेगी। विशाखा, यही मित्रता, यही तेरा प्यार, सखी से प्यार हो गया व्यापार। अपनी भावनाओं में मुझे बहाने का प्रयास ना कर, केवल दो पात्र जहर ले आ, उसके बदले में मैं तेरा सौंदर्य निखारने वाला उपटन लगा दूंगी। दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी दो नागिन दासियां उसकी ब्यूटी पार्लर में आती हैं और विशाखा अपनी सहायिका नागिन से उनका रूप निखारने को कहती है। दो पात्र जहर, तेरा मस्तिष्क फिर गया है क्या? अरे यहाँ खुद के पीने के लिए जहर के लाले पड़ रहे हैं। मैं तो खुद फल और दूध पीकर अपनी भूख मिटा रही हूँ और तुझे रूप निखारने के लिए दो पात्र जहर ला कर दूँ, मूल्य चुकाऊँ? नहीं करवाना मुझे तुमसे कुछ भी। विशाखा से रूप निखारने का मूल्य सुनकर वानिका वहाँ से उल्टे पाँव अपने भवन लौट आती है और आईने में खुद को देखते हुए कहती है, भला इतने सुंदर रूप को निखारने के लिए दो पात्र जहर को ज्यादा नहीं है? क्या हुआ अगर उसे पृथ्वी लोक की श्रृंगार विद्या आती है तो मैं खुद ही अपने रूप को निखार लूंगी और सवार भी लूंगी। इतना कहकर वो खुद ही अपना मेकअप करना शुरू कर देती है और पूरे दो घंटे के बाद आड़ा टेढ़ा मेकअप कर नागलोक के बगीचे में नकुलेश से मिलने जाती है। जैसे ही नकुलेश वहाँ आता है तो उसका मेकअप से बिगड़ा चेहरा देखकर भौचक्का रह जाता है। तभी वानिका कहती है, नकुलेश कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना इंद्रलोक की अप्सरा? अप्सरा का तो पता नहीं, किंतु पाताल लोक की राक्षसनी जरूर प्रतीत हो रही हो। तुम्हारे रूप का इतना बुरा हाल किस बैलबुद्धि ने किया? ऐसा ना कहो, केवल तुमसे भेंट करने के लिए ही तो मैंने बिल्कुल पृथ्वी लोक जैसी लाली पाउडर लगाकर अपना रूप निखारा है। निखारा नहीं, बिगाड़ा है। इससे अच्छा तो तुम अपनी सखी विशाखा के काया पलट केंद्र चली जाती, वो अपने श्रृंगार विद्या से दासी नागिनों को भी नागरानी जैसी सुंदरता दे देती है। चुप करो, उसके विषय में तो बात करने की भी आवश्यकता नहीं है कोई। पृथ्वी लोक से उसने एक विद्या क्या सीख ली, उसके बाद तो मानो उसके नखरे ही बढ़ गए हैं। श्रृंगार की देवी समझने लगी है खुद को, अपनी सखी से मूल भाव कर रही थी। अरे तो क्या, मित्रता के चक्कर में सबको फोकट में सुंदरता प्रदान करती रहे, और वैसे भी वो अकेली नागिन है जिसे पृथ्वी लोक की इस श्रृंगार विद्या का ज्ञान है। तभी तो नागराज ने उसे नागलोक में काया पलट केंद्र खोलने की अनुमति दी। अब क्या वो अपनी विद्या का लाभ भी ना उठाए? तुम मेरे प्रेमी हो या फिर उस विशाखा के? अरे मनुष्य की एक विद्या प्राप्त कर लेने से वो कोई अनोखी नागिन नहीं बन जाएगी, और वैसे भी जब फोकट में विद्या मिली हो तो उसका प्रयोग करके लाभ अर्जित क्यों करना? तुम क्या समझती हो, किसी भी विद्या को प्राप्त करना सरल होता है? यदि ऐसा होता तो तुम भी पृथ्वी लोक जाकर इसे सीखने का प्रयास क्यों नहीं करती? और सोचो, यदि तुम सफल रही तो नागलोक में तुम्हारा भी अपना काया पलट केंद्र हो सकता है। उसके इतना कहते ही नागिन वानिका उसके खुद के काया पलट केंद्र होने के दृश्य देखने लगती है, जहाँ उससे श्रृंगार करवाने के लिए नागलोक की नागिनों का जमावड़ा लगा होता है। नागिन वानिका ख्यालों में ही खोई होती है कि तभी नकुलेश उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे झिंझोरते हुए कहता है, वानिका कहाँ खो गई? तुम सही कह रहे हो नकुलेश, मुझे भी मनुष्यों की ये विद्या सीख लेनी चाहिए। तुम सच्चे प्रेमी हो, आओ मेरे हृदय से लग जाओ। ना ना, पहले तुम अपना बिखरा चेहरा सवार लो, वैसे भी मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ।
उसके ये कहते ही नागिन वानिका का मुंह बन जाता है। समय बीतता है और नागिन वानिका नागराज की आज्ञा प्राप्त कर इंसानी रूप लेकर पृथ्वी लोक पर जाती है और वहाँ की लड़कियों की सुंदरता देखकर अचंभित होकर कहती है, ये पृथ्वी लोक की कन्याएं तो अप्सराओं की भांति सुंदर दिखती है, कितना निखरा रूप है इनका। बस बस वनिका, ये तो क्या कर रही है, इनकी सुंदरता को निहारने नहीं आई तो यहाँ, जिस उद्देश्य को पूरा करने आई है उस पर ध्यान दे, पर ये सुंदरता का केंद्र मिलेगा कहाँ। इतना कहते हुए वो सड़क पर कुछ दूर चलने लगती है, तभी उसे एक बड़े से ब्यूटी पार्लर में बहुत सारी लड़कियों के साथ एक दुल्हन निकलती नजर आती है, जिसका रूप देखकर वानिका नागिन बस उसे देखती रह जाती है। तभी वो झट से उसे ब्यूटी पार्लर में जाती है, जहां पर सारा स्टाफ अपने कामों में लगा होता है। तभी उस ब्यूटी पार्लर के ओनर सैंडी की नजर वानिका पर पड़ती है। एक गर्ल, तुम यहाँ क्या करने आई हो? ये युवक कन्या के हाव भाव में हमसे बात क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ किए जाने वाले श्रृंगार विद्या को सीखने आए हैं। ओह, तुम ब्यूटी कोर्स करना चाहती हो, नाम क्या है तुम्हारा? ना वनिका, वनिका नाम है हमारा। आप जैसे पुरुष सौंदर्य केंद्र में क्या कार्य करते हैं? ओ हेलो, मैं इस ब्यूटी पार्लर का ओनर हूँ और यहाँ का सबसे अच्छा ब्यूटिशियन हूँ। अर्थात पुरुष भी इस विद्या को सिखाते हैं? क्यों, सुंदरता पे सिर्फ औरतों का ही हक होता है क्या? और तुम्हें क्या ब्यूटी कोर्स करना हो ना, तो 6 महीने लगेंगे और पैसे भी लगेंगे। 6 माह? अर्थात आप हमें एक दिन में नहीं सिखा सकते? ओ हेलो, किसी को सुंदर बनाना एक आर्ट होती है और ब्यूटी आर्ट कोई हलवा नहीं है जो कोई एक दिन में सीख जाएगा। कल एडवांस मनी लेकर यहाँ आ जाना, समझी? ए रीता, ए सुनीता, क्या कर रही हो तुम दोनों? कस्टमर को अच्छे से देखो। इतना कहकर वो अपने काम में लग जाता है और वानिका वापस नागलोक लौट आती है और नकुलेश को सारी बात बताती है। तो नाग नकुलेश कुछ सोने की मुद्राएं उसे देता है। अगले दिन नागिन वानिका उन मुद्राओं को लेकर पृथ्वी लोक पर जा पहुंचती है और नकुलेश के कहे अनुसार उन्हें अपनी शक्तियों से पृथ्वी लोक की मुद्रा में बदलकर उसे ब्यूटी पार्लर में जाती है, जहां सैंडी उसे बाकी स्टाफ जैसे कपड़े पहनने को देता है और उसे सिखाना शुरू करता है। यूं ही कुछ दिन बीतते हैं, नागिन वानिका बहुत जल्दी और बहुत कुछ सीख जाती है। तभी एक दिन, तो वानिका, फेशियल, ब्लीचिंग, थ्रेडिंग और न्यूड मेकअप के बाद आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैनीक्योर पेडिक्योर कैसे किया जाता है, ओके? क्या क्या शब्द कहा आपने, मैनीक्योर पेडी, क्या इसमें क्या होता है? तुम कितनी फुलिस गर्ल हो, नाम भी अच्छे से नहीं ले पाती। देखो, मैनीक्योर पेडिक्योर में हाथ पैर अच्छे से क्लीन किया जाता है ताकि उसमें शाइन आए, शाइन, चमक। ये सीखने के लिए हमें औरों के हाथ पैर को धोना पड़ेगा, पर हमारे लोक में तो किसी के भी हाथ पैर को स्पर्श ही नहीं किया जाने देता, तो अब हम कैसे धोएं? तुम्हारे लोग, तुम क्या दूसरे गोले से टपकी हो? कैसी स्टूपिडी वाली बातें करती हो, ध्यान दो काम पे। इस तरह से वो बड़ी मुश्किल से पृथ्वी लोक पर 6 महीने का ब्यूटी पार्लर कोर्स कर नाग लोक लौट आती है और नागराज से नागलोक में खुद के काया पलट केंद्र खोलने की अनुमति मांगती है। इस बात की खबर नागिन विशाखा को भी लग जाती है और वो भागती हुई नाग दरबार में पहुंचती है, जहां वनिका नागिन और नकुलेश नाग पहले से मौजूद थे। अति उत्तम नागिन वनिका, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। किंतु नागराज, आप ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं? भला एक नागलोक में 2 काया पलट केंद्र कैसे चल सकते हैं? क्यों नहीं चल सकते? तुमने क्या नागलोक की नागिनों को ठगने का ठेका ले रखा है? तुम अनोखी नागिन नहीं हो, मुझे भी मनुष्यों की श्रृंगार विद्या का भरपूर ज्ञान है। न्यूड मेकअप, दुल्हन मेकअप, हाथ पैर धोना, जश्न मेकअप, तरह तरह के केश काटना सब सीख कर आई हूँ। और वैसे भी मैं अपना सौंदर्य केंद्र खोलना चाहती हूँ, जहाँ मैं नागिनों के साथ साथ नागों के रूप को भी निखारूंगी। यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने जहर की पूर्ति कहाँ से करूँगी? अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ साझेदारी कर लो, वैसे भी हम तो सहेली है ना, और फिर मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव भी तो है। वैसे विशाखा उचित ही कह रही है वनिका, यह विचार उत्तम है। तुम दोनों साथ कार्य करोगी और विवाद की भी कोई जड़ नहीं रहेगी। वनिका साझेदारी की बात मान जाती है और दोनों नागिन सखी मिलकर नया सौंदर्य काया पलट केंद्र नाम से ब्यूटी पार्लर चलाना शुरू करती हैं।
कांची और मोहना दोनों ही अच्छी मित्र थी। कांची स्वभाव से बहुत ही निर्मल और भली थी, तो वही मोहना अपनी सुंदरता के घमंड से भरी हुई एक नकचिड़ी नागिन थी। ऐसे ही एक दिन दोनों सहेलियां आपस में बैठी बातें कर रही होती है, तभी कांची बोलती है, मोहना इस बार नागलोक में हो रही सौंदर्य प्रतियोगिता में तुम भी हिस्सा ले रही हो क्या? क्या कांची, कैसी बातें करती हो, भला वो प्रतियोगिता मेरे बिना हो जाएगी? अरे उसके विजेता तो मैं ही हूँ। अरे ऐसा है क्या? और क्या, इस पूरे नागलोक में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे जितना खूबसूरत हो और जो मेरा मुकाबला कर सके। सबके सब मुझसे नीचे हैं। बस वो जो सफेद नागिन मीनल है ना, बस वो थोड़ा है मेरे मुकाबले में। सच कहूँ तो उसका रूप देखकर ना मुझे बहुत चिढ़ होती है, बहुत ज्यादा। अरे मोहना, भला ये क्या बात हुई, तुम तो पहले ही शिवजी की देन से इतने खूबसूरत हो, ऐसे चिढ़ा मत करो किसी से। तुम अपना ये ज्ञान अपने पास ही रखो, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। अब चलो जल्दी, प्रतियोगिता में अपना नाम भी लिखवाना है। जिसके बाद कांची और मोहना दोनों ही अपना स्वरूप बदल लेती हैं और जिस जगह सौंदर्य प्रतियोगिता होने वाली थी वहाँ पहुँचकर दोनों अपने अर्धनागिन रूप में आती हैं और अपना नाम प्रतियोगिता में लिखवा देती हैं। दोनों वहाँ से आ ही रही होती है कि तभी सामने से उनको मीनल नागिन नजर आती है, जिसे देखकर मोहना बुरा सा मुंह बना लेती है और मन ही मन में सोचती है, पता नहीं ये मीनल नागिन अपने चेहरे पर क्या लगाती है, देखो तो कैसा जान सा चमक रहा है। मन तो करता है कोई ऐसा जादू सीख लूं जिससे इसकी सारी सुंदरता मुझे मिल जाए और ये बदसूरत हो जाए। अरे वाह, तो मोहना भी हिस्सा ले रही है इस प्रतियोगिता में? हाँ, और जीतूंगी भी मैं ही। तुमने तो पहले ही खुद को विजेता घोषित कर दिया, पहले प्रतियोगिता होने तो दो। क्यों नहीं, प्रतियोगिता तो जरूर होगी, आखिर पूरे नागलोक को पता चलना चाहिए कि सबसे सुंदर नागिन मोहना है। मोहना, उसके अलावा कोई नहीं है, फिर चाहे कोई कितना भी सफेद ही क्यों ना हो। इतना कहकर मोहना फिर से अपना रूप परिवर्तन करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी कांची मीनल से बोलती है, मीनल तुम तो जानती हो ना मोहना का स्वभाव कैसा है, उसकी बातों का बुरा लगा हो तो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, बस दुख है कि मोहना सबसे घुल मिल कर नहीं रहती, न जाने क्यों इतनी नकचड़ी है वो। इतना कहकर मीनल भी वहाँ से चली जाती है और कांची भी वापस अपनी गुफा में लौट आती है। दिन बीतते जाते हैं, सौंदर्य प्रतियोगिता की तैयारियाँ जोरों शोरों पर होने लगती है। मोहना भी कांची के साथ प्रतियोगिता के लिए अपनी पोशाक सिलवाने नागलोक के दर्जी के पास जाती है, जहां वो देखती है कि मीनल पहले से ही वहां मौजूद है। तभी मोहना कांची से बोलती है, देखा कि यहां भी आ गई कांची हमारी नकल करने के लिए। अब मैं छुपकर इसकी सारी बातें सुनूंगी कि ये कैसी पोशाक बनवा रही है, फिर मैं इससे अच्छी पोशाक बनवाऊंगी अपने लिए। कैसी बातें कर रही हो तुम मोहना, ये गलत है। तुम चुप क्यों नहीं रह सकती? अरे तुम मेरी दोस्त हो या फिर उस मीनल की, मेरी खुशी देखकर तो तुम खुशी नहीं हो सकती, न जाने कौन सा विष पीना पड़ जाता है तुम्हें मेरी बातें मानने के लिए। मोहना की बात सुनकर कांची कुछ नहीं बोलती और मोहना चुपचाप से मीनल की सारी बातें सुनती है। और जैसे ही उसे मीनल अपनी ओर आती नजर आती है, तभी वो कांची को लेकर एक छोटी सी चट्टान के पीछे छुप जाती है और मीनल के जाते ही वो दर्जी की गुफा में जाती है और बोलती है, मास्टर जी इस बार की प्रतियोगिता में सबसे अलग पोशाक मेरा ही होना चाहिए, इस बार मोतियों का बना हुआ पोशाक चाहिए मुझे। और हाँ, किसी की भी पोशाक से मेरी पोशाक मेल नहीं खानी चाहिए, खास तौर पर उस सफेद नागिन मीनल से तो बिल्कुल नहीं। इतना कहकर मोहना कांची को लेकर वहाँ से चली जाती है। प्रतियोगिता का पहला भाग आरंभ होता है, जिसमें सभी नागिनों को अपनी सबसे अनोखी शक्ति का प्रदर्शन करना था। बारी बारी से सभी हिस्सेदार नागिने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है और तभी मीनल की बारी आती है और वो अपनी सम्मोहन की शक्ति का प्रदर्शन करती है और फिर अंत में मोहना की बारी आती है और अपने मुंह से वो आग उकलने की शक्ति का प्रदर्शन करती है।
जिसके बाद सभी नाग नागिन उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और पहले भाग की विजेता मोहना को घोषित किया जाता है, जिस पर मोहना रोब झाड़ते हुए मीनल से बोलती है, तो क्या कहा था कि जीतूंगी तो मैं ही। अरे अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं तो कहती हूँ मीनल कि तुम अपना नाम अभी से इस प्रतियोगिता से हटवा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम खामखा मेरे हाथों अपनी बेइज्जती करवाओ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही धूल चाटती हुई नजर आओ, वो भी मुझसे हार के। भले तुम कितनी भी सुंदर हो पर मेरे रूप के सामने फीकी ही हो। इतना कहकर मीनल वहाँ से चली जाती है और मोहना उसकी बातों से और ज्यादा चिढ़ जाती है। अब वो मीनल की हर हरकत पर नजर रखने लगती है ताकि वो हर तरीके से खुद को मीनल से बेहतर साबित कर सके। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता के दूसरे भाग का आरंभ होता है और दूसरे भाग में सभी को नाच दिखाना था। दूसरे भाग की विजेता मीनल को घोषित किया जाता है, जिस पर मोहना की चिढ़न और ज्यादा बढ़ जाती है और वो खुद से बोलती है, उस मीनल नागिन ने मुझे नीचा दिखाया। अब तो किसी भी हाल में मैं इस प्रतियोगिता का तीसरा और सबसे अंतिम भाग जीत कर ही रहूंगी। नागलोक की सबसे सुंदर नागिन बस मैं हूँ और मैं ही रहूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मोहना के पीछे खड़ी कांची सारी बातें सुन लेती है, जिस पर वो मोहना को समझाते हुए बोलती है, मोहना तुम अपने नकचड़ेपन में आकर बहुत गलत कर रही हो। भूलो मत शिवजी सब देख रहे हैं। तुम किसी का बुरा करोगी तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा, भला नहीं। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझ गई? तुम्हें मेरा साथ नहीं देना तो मत दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। इतना बोलकर मोहना वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और प्रतियोगिता का आखिरी और तीसरा भाग शुरू हो जाता है, जिसमें सभी नागिनों को अपनी पोशाक पहनकर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करना था, जिसके बाद सभी से कुछ सवाल किए जाने थे। प्रतियोगिता को आरंभ किया जाता है। सभी नागिने एक एक करके अपनी पोशाक पहनकर सभी के समक्ष जाती है और मीनल की बारी आने से पहले मोहना उसके पास जाकर बोलती है, मीनल मेरी मदद कर दो, कांची बुरी तरह से घायल हो गई है, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, मेरे साथ चलो। मोहना की बात सुनकर मीनल जल्दी से उसके साथ चल देती है। मोहना मीनल को लेकर एक वीरान सी गुफा के बाहर पहुंचती है और बोलती है, मीनल कांची इसके भीतर बेहोश पड़ी है, तुम जल्दी से अंदर जाओ, तब तक मैं उसके लिए जल लेकर आती हूँ। मीनल जल्दी से अंदर चली जाती है और मोहना जादू से गुफा को बंद कर देती है और जल्दी से प्रतियोगिता में पहुंच जाती है, जहां पर मीनल का नाम बार बार लिया जा रहा था। उसके ना आने पर आखिरी हिस्सेदार यानी कि मोहना को बुलाया जाता है। मोहना जल्दी से सभी के समक्ष जाती है और उसे देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। अंत में सभी से सवाल पूछे जाते हैं और महोदय मोहना से सवाल करते हुए पूछते हैं, मोहना नागिन तुम्हें कभी जिंदगी में किसी से ईर्ष्या हुई है, और यदि की है तो क्यों? जी नहीं, मैंने आज तक कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की है, मैं तो सबका भला चाहती हूँ, बल्कि मुझसे तो किसी का दुख देखा ही नहीं जाता। और आज मैं बहुत ही निराश हूँ कि मेरी सहेली मीनल आज यहाँ पर नहीं है। मैं चाहती थी कि आज यहाँ मेरे साथ वो भी होती। मैं तो हमेशा से सबका भला चाहती हूँ, आज तक मैंने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। मोहना की बात सुनकर सभी नाग नागिन उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, जिसके बाद उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। और जैसे ही उसके सर पर विजेता का ताज पहनाया जाने वाला था, वहां कांची और मीनल आ जाते हैं और मीनल मोहना को एक जोरदार तमाचा मारती है और सबके सामने बोलती है, जो कुछ भी इसने अभी कहा वो सब झूठ है। असल में तो मोहना सर से पैर तक चिड़न से भरी पड़ी है। मेरी सुंदरता से चिढ़कर इसने मुझे झूठ बोलकर प्रतियोगिता से दूर किया और मुझे एक गुफा में बंद कर दिया। इसने हर तरफ बेलपत्र रखे हुए थे ताकि मैं शक्तिहीन हो जाऊं, पर वो तो सही समय पर कांची वहां आ गई और उसने मुझे बचा लिया। मोहना की सच्चाई जानकर सभी के होश उड़ जाते हैं
और विजेता का ताज मोहना को ना देकर मीनल को दिया जाता है और मोहना को उसके नकचेड़ेपन और धोखा देने के चलते उसकी सभी शक्तियों को उससे छीन लिया जाता है और उसे दंडित करके सदा के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है।